आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से बॉर्डर पर जाकर के उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी चीन को, और उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर के साफ अपना भारत का रुख बता दिया था। लेकिन आज आपके सामने इस वीडियो में देखने जा रहा था अमेरिका किस प्रकार से लद्दाख को लेकर के चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर कैसे वहां पर एक्शन लिया है, और दूसरा 60,000 जी हां साहब, 1, 2, 4, 10,000 नहीं, 60,000 अमेरिकी सैनिक माफ कीजिएगा चीनी सैनिक का क्या हो रहा है खेल, वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि अब चीन की तबाही की दास्तां जो लिख दी गई है, और चीन अब खुद अपने कृत्यों से अपने कर्मों से तबाह हो जाएगा, इस वीडियो में दिखाऊंगा। अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अमेरिका द्वारा चीन की जो ठुकाई हुई है उस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए, और हमारे भारतीय जवानों के नाम कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें, क्योंकि वो हमारे लिए और आपके लिए वहां बॉर्डर पर बैठे हुए किस प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं। बताता हूं आपको क्या है पूरी की पूरी खबर। पहले आपको लिए चलता हूं अमेरिकी जो एनएसए हैं उन्हें साफ तौर पर ठोका है, उसके बाद 60,000 सैनिकों वाला खेल जो चीन का है वो आपको दिखाऊंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति सलाह जो राष्ट्रीय सुरक्षा माफ कीजिएगा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने कहा है कि भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं उस पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की और कोशिश और उसकी विस्तारवाद की जो आक्रामकता है वो उसकी आक्रामकता का साफ तौर पर हिस्सा है, और यही स्वीकार करने का वक्त आ गया है कि बातचीत तथा समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला है। यूएसएनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने इस हफ्ते शुरुआत में ही जो उटाह के चीन पर टिप्पणी करते हुए CCCP यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिसे कहते हैं CCP का भारत के साथ लगती सीमा पर विस्तारवादी आक्रामकता स्पष्ट है, जहां तक चीन की ताकत के बल पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ओब्रायन ने यह भी कहा कि चीन की विस्तारवादी और आक्रामकता ताइवान जलद मरुधस्त के में भी स्पष्ट है, जहां धमकाने के लिए जल मुक्ति सेना की नौसेना और वायुसेना सैन्य अभ्यास लगातार कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजिंग के खास अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR के शामिल कंपनियां गैर पारदर्शी और अस्थिर चीनी ऋण भुगतान चीनी कंपनियों को कर रही हैं, जो चीनी मजदूरों को आधारभूत संरचना के विकास और कार्यक्रम को रोजगार दे रही हैं। एनएसए ने कहा कि कई परियोजनाएं जो हैं गैर जरूरी हैं और गलत ढंग से बनाई गई हैं और वे सफ़ेद हाथी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब ये देश चीनी ऋण पर आश्रित हो गए हैं और अपनी संप्रभुता को कमजोर किया है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र में मतदान या मुद्दे की पार्टी का रुख साथ दें चीन, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी अहम मानती है। वहीं ओब्रायन ने रेखांकित किया कि चीन के अंतर्राष्ट्रीय सहायता से वेनेजुएला के निकोलस मादुरो सहित दुनिया के ऐसे शासकों की निगरानी प्रणाली का दमन के उपकरण भेजता है जो लोगों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार सीमित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समय आ गया है कि स्वीकार किया जाए कि बातचीत या समझौते के जो साम्यवादी चीन की को बदलाव के लिए सहमत या मजबूर नहीं कर सकते, नजर बचाने या विनम्र होने से कोई लाभ नहीं होता है, हम यह लंबे समय से करते रहे हैं। और वो ब्रायन ने यह भी कहा कि अमेरिका को चीन के खिलाफ खड़ा होगा और अमेरिकी लोगों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अमेरिकी समृद्धि और शांतिपूर्ण आचरण को ताकत के साथ बढ़ावा देना चाहिए और दुनिया पर अमेरिकी प्रभाव को बढ़ावा देना चाहिए। एनएसए ने यह भी कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का वास्तव में यही किया है। बता दें आपको पूर्व लद्दाख के पर सीमा पर जो गत 5 महीनों से चीन और भारत के बीच गतिरोध बना हुआ है, और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव है, और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक और सैन्य वार्ताओं का दौर कई बार चल चुका है। ऐसे में अब तक समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सका है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 60,000 सैनिकों की यहाँ साहब LAC पर 60,000 सैनिकों की तैनाती कर चुका है
चीन और अमेरिका ने कहा साफ तौर पर कि ये अब चीन को बहुत बुरी तरह से चीन की अब बर्बादी होके रहेगी। भारत ने भी साफ तौर पर कहा है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारे सैनिक, सबको पता है कि भारत के सैनिक हर मोर्चे पर हर मौसम में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वो हर मौसम में लड़ सकते हैं, लेकिन चीन है जो कि -25 डिग्री पर वहाँ पर गुफाएं बना रहा है, वहाँ पर बैरक बना रहा है जिसमें -25 डिग्री को 15 डिग्री सेल्सियस यानी मैंने -15 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया, माफ कीजिएगा 15 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जा सके। अब ऐसे में वो 60,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। वहाँ बता दूँ कि ये विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान आया है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत के उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिकों को तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने चीन के खराब बर्ताव और क्वाड समूह के लिए देश के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की खिंचाई की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के क्वाड और चीन की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम है। इधर अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो मैंने बताया रॉबर्ट ब्रायन ने भारत से लगती सीमा आपके बल पर नियंत्रण रेखा करने के लिए चीन की कोशिश है उसे विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा कहा, यह कबूलने का वक्त आ गया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो नीति तो साफ तौर पर ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन ही कह दी थी जिस दिन वो लद्दाख में यानी बॉर्डर पर गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, तो आपको याद होगा वो व्यक्ति का साइन वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे ये बोला था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। और हाँ, ये जो लोगों के नाम नहीं लिया था उन्होंने कहा था ये जो कुछ देशों की विस्तारवाद की नीति है, ये विस्तारवाद की नीति आने वाले समय में काम नहीं करेगी क्योंकि ये 2020 का है जो दुनिया है वो काफ़ी बदल चुकी है और ऐसे में विस्तारवादी ताकतों को जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी ये चेताया था वहाँ के प्रशासन को, एक तरह से वहाँ के चीन के। तो इस वीडियो को हम खात्मे की तरफ बढ़ेंगे, अनुरोध करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं हिंदुस्तान में और आप सभी और हम सभी, अब वक्त आ रहा है क्योंकि चीन जो है वो अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे वो नहीं हटने वाला है, तो हमें और आपको तगड़ा जवाब देना होगा। हमें आपको चीनी प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करना होगा। हम बार बार एक कैंपेनिंग चलाते हैं कि लोग इस बात को समझें और हमें लगता है लोगों ने इस बात को समझ गए हैं, व्यापारी भी इस बात को समझ गए हैं, व्यापारी वर्ग, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमें आपको अपने से ज़्यादा अपने को जागरूक करें और फिर दूसरों को भी जागरूक करें। तो आपको हम ये आशा करते हैं कि इस दिवाली जो हम बार बार स्लोगन कर रहे हैं इस दिवाली चीन का दिवाला तो निकल तय ही है और चीन की बर्बादी अब तय है और भारत कहीं ना कहीं चीन को अब पाकिस्तान से बदतर हालत में जाएगा कि उसको भी भूखों मरने की वक्त आ जाएगा। चलिए बने रहे ओनली न्यूज़ के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।